कायदा दसा है, तुम एक टाइम पे एक गोली चलाओगे, मैं एक टाइम पे 60 कुल्हाड़ी चलाऊंगा। किसके ज्यादा टुकड़े हो गए सोच मत। ए भाई, मैं इधर किसी के फट्टे में टांग अड़ाने को नहीं आया, राज करने के लिए आया। मैं छुपके का नाय सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की मोस्ट अवेटेड मूवी पुष्पा 2 अब बड़ी ही जल्दी इस फिल्म की टीजर लॉन्च होने वाला है। साथ ही इस फिल्म से जुड़ी हुई कई सारी बड़ी अपडेट्स सामने आ चुका है। डायरेक्टर सुकुमार के डायरेक्शन पर बनने वाली फिल्म पुष्पा 2, जिसको फैंस काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस पुष्पा 2 मूवी से जुड़ी हुई बहुत ही इंटरेस्टिंग अपडेट्स सामने आए हैं। इस फिल्म में बिग स्टार कास्ट, बिग बजट, बिग सेट, साथ ही टॉप लेवल की स्टोरी देखने को मिलेगा। कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुष्पा 2 फिल्म में एक बेहतरीन स्टार कास्ट नजर आने वाला है। आपको बता दूं कि इस फिल्म में अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंदाना, फाहद फासिल, विजय सेतुपति और मेगा पावर स्टार रामचरण एक पावरफुल किरदार में इस फिल्म में नजर आने वाला है, जिससे कि इस फिल्म को काफी लोकप्रियता हासिल होगा। स्टार कास्ट के साथ साथ इस फिल्म की बजट भी है बहुत ही बड़े लेवल की। रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया जा रहा है कि बहुत ही मेगा बजट के साथ इस फिल्म को तैयार किया जा रहा है। फिल्म के अंदर होने वाले एक्शन सीन में काफी टॉप लेवल का VFX का काम इस फिल्म में देखने को मिलेगा। साथ ही ये भी दावा किया जा रहा है कि KGF और कब्जा जैसे बड़े लेवल की मूवी की तरह इस फिल्म को भी ठीक उसी तरह तैयार किया जा रहा है, जिसके लिए डायरेक्टर सुकुमार काफी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि पुष्पा 2 को लेकर दर्शकों के मन में काफी एक्सपेक्टेशन है, जिसको इस फिल्म के मेकर्स भलीभांति जानते हैं। आपको तो पता ही होगा कि इस फिल्म को काफी पहले ही रिलीज होने वाला था, लेकिन इस फिल्म के निर्देशक और राइटर सुकुमार इस फिल्म की स्क्रिप्ट यानी कि सेकंड पार्ट की स्क्रिप्ट को दोबारा लिख रहे थे, जिसे उम्मीद किया जा सकता है कि पुष्पा 2 इस साल की ब्लॉकबस्टर फिल्म की लिस्ट में पहले नंबर पर रहने वाला है। पुष्पा पार्ट 1 की सक्सेस को देखते हुए पुष्पा 2 फिल्म को इस फिल्म के मेकर्स काफी बिग बजट, बिग स्टार कास्ट और बेहतरीन स्टोरी के साथ दर्शकों को जल्दी प्रस्तुत करने वाले हैं। वैसे अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2 को लेकर आप कितने एक्साइटेड हो और क्या आप लोग इस फिल्म को देखना पसंद करोगे कि नहीं, कमेंट में जरूर बताएं।